तो इसीलिए जो आपको रेवेन्यू या चीजें होंगी वो ऐसे वाले क्लाइंट से भी आएंगी, वो चाहे आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं नहीं है, बट वो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक सोर्स है, जस्ट एक सोर्स है, ऐसे वाले हजारों सोर्स हैं जो मिस्टर ऐश ने पैदा कर चुके हैं। तो जब आप कई बार कहते हो या हेटर्स आपको कहते हो कि ऐसे कैसे अगले महीने का तो कहां से आपको जेब से देना है, ये देना है, तो मिस्टर ऐश को मालूम है कहां से देना है। ओके, आपके उधर क्या कैसे होगा, सिस्टम, लेट द सिस्टम स्टार्ट्स। और अलग अलग चीजें हैं जो कि रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगी और वो देंगी भी। ऐसे करके ऑलरेडी टाई अप्स और भी बहुत सारी चीजों से हो चुका है। तो मिस्टर ऐश आपको आने वाले दिनों में वो बताएंगे, हम उतनी बात बताएंगे जितनी ऐश बोलते हैं। वॉलेट में और भी कुछ अगर रहेगा तो दिख जाएगा। और उन्होंने ये बोला कि अभी वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कमीशन पे, और आगे जाके बाकी चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है, आप जैसे गुस्पिंदर जी ने बोला कि हो सकता है आपके वॉलेट में और भी दिख जाए, तो ये एक पॉजिटिव है। और फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि वॉलेट का अगलीस्ट डे होता है, तो आगे जाके डेफिनेटली और चीजें अच्छी हो जाएंगी। थोड़े से कमीशन्स ऐसे रहेंगे जो एंड ऑफ द 3 मंथ्स आपको दिख जाएंगे, तो अभी आपको दिखता नहीं तो डोंट वरी, एंड ऑफ 3 मंथ्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द बिजनेस मॉडल, और कंपनीज विल, जो कंपनीज है, जो बाकी के कंपनीज है, वो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन हमारा बिजनेस मॉडल देख के, वो उनका बिजनेस मॉडल इम्प्रूव करेंगे। देन विड्रॉल इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बोला कि 100 मोर देन यानी $100 उन्होंने रखा था अमाउंट, तो $100 का मिनिमम रखा है, तो $100 के ऊपर, $100 क्यों, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर छोटा अमाउंट रखते हम 25 या 50 भी रख सकते थे, लेकिन हो सकता है कि आप जब भी ये विड्रॉ करो तभी बैंक के थोड़े से चार्जेस रहते, तो उसमें आपको आता नहीं इतना, इसलिए उन्होंने बोला $100 रखा है, प्लस फर्स्ट सेल जब भी होता है तो आपका 100 के ऊपर ही होता है, $140+, तो इसलिए वो $100 लिमिट रखा था। तो उन्होंने बोला कि एज पर बुक, उन्होंने बोला कि जब भी एक्चुअल बैंक में आने के लिए 10-15 दिन लगते हैं, एक्चुअल ये बुक में लिखा है, लेकिन आई थिंक टेस्टिंग में, आई थिंक लाइक नॉट ओनली टेस्टिंग बट आई थिंक उन्होंने 5 दिन बोला। मुझे बताइए, ऐसा बोल रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे, व्हाट डज दैट मीन? क्या ये भाषा आपको समझ नहीं आ रही है? अभी समझ में तो आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता, बिलीव नहीं करते, लेकिन yes, और कुछ लोग अगर बिलीव, कुछ लोगों को बिलीव होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इतना जल्दी बिलीव कर लेते हैं, मतलब आई मीन जैसे कि हमें आज सब्सक्रिप्शन लिया तो हमको नेक्स्ट मंथ से, हमको अप्रैल या मई से, हमको समझ लो कि हमको 15 लाख 20 लाख रुपए आएगी, ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो उन लोगों से सिर्फ हमें यही कहा है कि सब कुछ होगा, जो सर ने बोला सब कुछ कहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज में, ऐसा नहीं कि एक कंपनी है, इसका एक प्रोसेस है इसका, तो उस प्रोसेस के थ्रू ही होगा सब चीजें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा तमाम फाउंडर्स से, क्या उनको वन टाइम में 20 लाख चाहिए या थ्रूआउट द लाइफ चाहिए? चॉइस उनके हाथ में। ऑब्वियसली सर, लाइफ टाइम सर, नहीं, इसका आंसर हमारे फाउंडर्स हैं, बहुत सारे सर हमें वॉच कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो लोग दें कमेंट में, कि पता लगे कि वो लोग कहाँ तक सोचते हैं, क्या सोचते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आने सर जरूरी है, और लोगों ने जहां पर एक्साइटमेंट दिखाना था वहां एक्साइटमेंट नहीं दिखाना था वहां जरूर दिखाया, कि बहुत लोगों का पीछे अभी कॉल इस तरीके के भी आए कि मैम हमने जॉब छोड़ दिया, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, तो कहते मैम 12 घंटे की जॉब करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, अब तो ऑन पैसिव में बहुत आ जाएगा, तो लेकिन हालत बहुत खराब है, तो अभी आप बताइए कब आएंगे? इसका आंसर मेरे पास है जी सर, इसका आंसर मेरे पास है। देखिए मेरे भाइयों, जिन लोगों ने भी जॉब छोड़ी है, दैट मीन्स कि अभी ना आप लोगों ने मुनि गेम नहीं समझी है। एक मुनि ब्लूप्रिंट जो होता है ना हर इंसान की लाइफ में, वो आपने अभी सीखा नहीं है।
आपने जॉब क्यों छोड़ा? ठीक है, अन पैसे आ रही है, आपका महीने का 3-4 लाख रुपया आ रहा है, सपोज कर ले फॉर एग्जाम्पल, आप चलो 20,000-25,000 रुपए कमा रहे, आपको पता है वो 20,000 कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? हाँ, आपके पास और भी आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया ना कि आपको अभी फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, आप पहले जॉब छोड़ गए, ठीक है, तो अभी जो आया नहीं है, जो अभी इन्फेंसी में है और जिसको आना है, अभी अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, आप अपने आप को डैडी कहने लगे। अगली, हमारे पीछे बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत टॉप लेवल का ह्यूमन रिसोर्स है, आप यकीन नहीं मानेंगे ना। देखिए बेसिकली क्या हुआ ना, जैसे गूगल है और सारी कंपनीज है, ये लोग जब वहां से आए ना, एक वर्क एथिक्स होता है उन लोगों में, जब ये क्यों लोग वहां से भाग के आए, क्योंकि वहां एक वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स उन्हें लगा कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ गधे की तरह काम ले रहे हैं और उनका वेलफेयर नहीं दे रहे, तो उन्होंने जब देखा कि सर का इतना मतलब हम्बल नेचर और इतना केयरिंग है, तो ये लोग ना, पैसा दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, जब तक आपकी एक होती है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जब बात आती है ना, तब आदमी के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ये बड़े बेस्ट ब्रेन आए हैं बाग के हमारे पास, तो यहाँ एसर ने इनको अच्छी रेस्पेक्ट दी, अच्छा इनकी केयरिंग की, बहुत सारा कुछ हो रहा है, मैं हर कोई चीज आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, स्क्रीन पे हर कोई बात नहीं बोल सकती, बोली जाती है, तो हमारे इतने सारे इनको महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये बहुत जबरदस्त काम करे, और उन्होंने दिखा भी, दे हैव प्रूव्ड द मेटल, उन्होंने प्रूव किया। मैं आपको आपकी वसादत से तमाम फाउंडर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, बिल्कुल आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आई कैन गारंटी इट। सर, इसमें लोगों से हम यही बोलते थे जो पहले चीजें हम सुनते थे सिर्फ, अब वो सब तो हकीकत में आ रही है, अब तो सब जमीन पे आ रही है, सब धरातल पे आ रही है, सब दिखाई दे रही है हमको। ओ कनेक्ट उसका एक एग्जांपल है, और इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा ओ कनेक्ट है, सॉरी ओ ट्रैकर है, और ओ डोमन और ओ क्रिएट जो हमारा एक ऑन पैसिव साइट पे ऑलरेडी अपकमिंग हमारे प्रोडक्ट में हमारा दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पेड प्रोडक्ट है, तो सब कुछ हमारा बस चल रहा है फ्लोलेस। लेकिन अभी बहुत सारे लोग अभी भी वही बोलते हैं कि एप्पल कब आएंगे, एप्पल कब आएंगे, आएंगे तो बहुत अच्छे से आएंगे, बस थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा और। आज मैं एप्पल के बारे में थोड़ा सा बात करूं, ठीक है? यस सर, सब क्वेश्चन है, एक दो हैं, फिर हम उस टॉपिक पे बिल्कुल जाएंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग इसी चीज के लिए जुड़ते हैं। एक तो भारती जी हैं, वो बोल रही हैं कि सर मुझे जूम लिंक कैसे मिलेगा? तो मैम यहाँ पर जूम लिंक एक्चुअली में हम लोग ही रहते हैं, आप यूट्यूब पे जो भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और बाकी एक नीरज सर है, उन्होंने फोकस ऑन लर्निंग बोला है कि फोकस और लर्निंग, वेल्थ इज कमिंग, वेरी ग्रेट इवनिंग। और सर एक क्वेश्चन है कि कल भी हम लोगों ने लिया था कि केवाईसी का, लोग बोलते हैं कि केवाईसी कब होगी, अभी वॉलेट के बारे स्वाति में। स्वाति मैम, मुझे ना केवाईसी के बारे में आप मुझे याद दिलाना, मुझे भूल जाएगा, मैं जाऊंगा इसके बारे, में मुझे एक दो चीजें बोलनी है। बिल्कुल कंटिन्यू याद दिलाना आप। अच्छा, एक क्वेश्चन सर मैं और ले लेता हूँ सर, एक ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। रंजीत सिंह सर बोल रहे हैं, सर समर सेशन स्टार्ट होगा, हम लोग फ्री वाटर कैंप में ऑन पैसिव का बैनर यूज कर सकते हैं? सर अभी इस चीज के लिए हमें बिल्कुल ही मना है, आप इसकी परमिशन ओ मीडिया से लेंगे, अगर ओ मीडिया इस सबकी परमिशन कुछ करता है तभी आपको इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा चैनल देखेंगे आप, ऑन पैसिव टेक वर्ल्ड चैनल जो हम करते थे, देखिए उसको हमने ओपी कर दिया, तो सारे चैनल वगैरह यूट्यूब वगैरह सबके नाम के आगे ऑन पैसिव से हटा दिया गया है, क्योंकि एक कंपनी एक पॉलिसी है। तो अगर वो मीडिया से परमिशन लेंगे, अगर वो यूज, अगर वो आपको एग्री करते हैं, परमिशन देते हैं आपको, तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन बिना उसके परमिशन के एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी चीज ना करें उसमें। जी सर, कल मना कर दिया गया है, परसों ढिल्लन सर ने साफ मना कर दिया था कि हमें लोगों कहीं भी यूज नहीं करना है, हम लोगों का इंटरनेशनली वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम होने वाला है, हम लोग वहां पे ओ कनेक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। यस सर, ताज सर, सर मेन टॉपिक जो आप बहुत लोग सुनना चाहते हैं सर। ओवर टू यू। देखिए पहले हमें जो है इस चीज पर मना कर दिया गया है, तो वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरी फाउंडर इज बेसिकली फॉर सच थिंग हियर, हम इसी के लिए तो यहाँ आए हुए ना, एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोगों का यही एक एम है कि हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो जाए, और होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, बट ये है कि देखिए हर किसी एंड को अचीव करने के लिए आपके मीन्स स्ट्रांग होने चाहिए,
ऐसा नहीं है, अगर आप किसी एंड को अचीव करने के लिए कोई बाईपास करेंगे तो दैट इज अ स्कैम। एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, उस प्रोसेस से जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो एप्पल इज द एंड रिजल्ट ऑफ दैट। तो एप्पल को हासिल करने के लिए ना आपके मेहनत सही होने चाहिए, दैट शुड बी वेरी एथिकल, दैट शुड बी वेरी फेयर। हाँ, जहां तक आन पैसे की बात है ना, एक मुझे याद है, इट वाज जन और फेब ऑफ 2019, हम एक वेबिनार में थे तो एस सर को एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर ये जो एप्पल, अच्छा उसने बोला सर क्या हम, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं कोई 30-40 हजार की सैलरी ले रहा हूँ, तो क्या आन पैसिव जब क्लिक हो जाएगी तो उसके बाद क्या मैं वो 30-40 हजार रुपया कमा पाऊंगा पर मंथ? तो ऐस सर ने बड़े हंस के ना उनको बोला, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए था कि आप वही जॉब कंटिन्यू करिए। कहने का मतलब उनका ये था कि 30-40 हजार रुपया तो कोई बात ही नहीं है, फिर आपके लिए जॉब ठीक था। आप फाउंडर्स मेरे भाई, आप समझ रहे हो ना, अगर आपको 30-40 हजार रुपये कमाने हैं देन जॉब इज गुड फॉर यू, ओके, यू डोंट हैव टू वांडर हियर एंड देयर, देन यू आर नॉट सपोज टू बी फॉर दिस ऑन पैसिव। जब ऑन पैसिव की बात आती है ना तो आप